अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और यमी नान खताइयाँ, और ये है बेकरी स्टाइल विदाउट ओवन मैं बना रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चले देखते हैं इस रेसिपी के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। तो इस रेसिपी के लिए हमने लेना है 1/2 कप घी, कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना है इसमें, और 1 कप हमने यूज़ करना है मैदा। इसके साथ लेनी है 1/2 कप पाउडर शुगर और 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची पिसी हुई और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हमने बाउल में एक में डालना है पाउडर शुगर को, और इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप घी, और साथ में ऐड कर देना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है यहाँ तक कि ये फ्लफी सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और इसमें जाएगी 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची। ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। इन्हें अब हाथ से अच्छे से गूंद लेना है। इसी घी के अंदर ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और इस तरह का कुछ ये मिक्सचर तैयार होगा। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और इनकी गोल शेप बना लेनी है खताई की शक्ल की, और इस तरह मैंने सारी ये तैयार कर ली हैं। और इसके बाद छुरी की बैक साइड से हमने इस पर कट लगाने हैं ताकि और खूबसूरत इसकी लुक आए। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है और इस पर सारी खताइयाँ शिफ्ट कर दी हैं, और अब इस पर मैंने ग्लेज करना है अंडे के साथ। एक अंडा बीट करके उसकी इस पर कोटिंग कर देनी है, तो बहुत कलरफुल सी ये नान खताइयाँ तैयार होंगी। अब ये बेकिंग के लिए रेडी हैं। इसे 25 मिनट तक हमने प्री हीटेड ओवन में या पतीले में बेक कर लें। तो ये मैंने पतीला पहले से गर्म करके रखा है, इसमें मैंने बेक कर लेना है इन खताइयों को। और ये देखें, खूबसूरत सी नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके सामने मैंने इन्हें विदाउट ओवन तैयार किया है। ओवन में भी आप बेक कर सकते हैं और विदाउट ओवन भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इन्जॉय करें आज की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने कमेंट्स से मुझे सजेशन दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।